यूएस में चल रहा है, आमतौर पे इलेक्शन का एक्साइटमेंट जो है जब भारत में होता है कोई चुनाव तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यूएस में भी इलेक्शन का एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा चरम पे पहुंच चुका है। सबसे पहले मैं मैंग के पास जाऊंगा। मैंग जी, आपने वहाँ के इलेक्शन को देखा है, देख रहे हैं, वहाँ पर आप हैं ही, तो किस लेवल का इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर, किस तरह के माहौल बने हुए हैं, मूड माहौल क्या है वहाँ पर? अगर एक लाइन में मैं कहूं तो दोनों तरफ आग बराबर लगी है। दोनों तरफ एक उत्साह बहुत ज्यादा है। ट्रंप कैंपेन ले लीजिए या हैरिस कैंपेन ले लीजिए, लेकिन दोनों में जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है कुछ ऑप्टिमिज्म, कुछ जॉय, दूसरी तरफ है कुछ इनहेरेंट गुस्सा। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट काफी नजर आ रहे हैं। दोनों कॉन्ट्रास्ट आपने शायद हिंदुस्तान में, भारत में देखे होंगे। दो रैलीज जो हुई, एक तो हुई मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की, और दूसरी जो कल वाशिंगटन में हुई कमला हैरिस ने की। दोनों के बीच में काफी कॉन्ट्रास्ट नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अब अमेरिका में जो अर्ली वोटिंग हुई, अब तक कुछ 16 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी वोट डाल दिए हैं। तो ट्रेंड यही लगता है कि काफी मात्रा में वोट पड़ेंगे इस बार, क्योंकि दोनों कैंप्स में ये लगता है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आना जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, चूंकि सबकी नज़रें रहती हैं स्विंग स्टेट के ऊपर कि वो जो 7 स्टेट है वहाँ पे क्या मूड माहौल है, चूंकि वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो वहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? अभी हाल ही में एक संस्था है इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट फंड करके, उन्होंने एक पोल किया था स्विंग स्टेट जिसको बोलते हैं, पांच जैसे एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना एंड पेंसिल्वेनिया। वहां जो भारतीय मूल के लोग बसते हैं कुछ 4 लाख के करीब मिला के, उनके सर्वे में तो ये पाया गया कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से करीब करीब 48% आगे हैं। तो ओवरवेलमिंग, शी इज लीडिंग ओवरवेलमिंगली ओवर ट्रंप। इसका महत्व ये है कि अगर ये 4 स्विंग स्टेट्स में, क्योंकि क्योंकि रेस इतनी टाइट है, इंडियन अमेरिकन वोट्स के कुछ मायने इस बार शायद मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं बनिस्बत लास्ट टाइम व्हेन इन 2020। सो आई थिंक इंडियन अमेरिकन्स विल प्ले फेयरली सिग्निफिकेंट रोल इन दीस स्विंग स्टेट्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। इंडियन अमेरिकन इस बार जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इंडियन अमेरिकन ज़्यादा वोट करेंगे, और शायद इस बात का एहसास कमला हैरिस को भी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी है। आनंद आहूजा साहब, इस इंडियन अमेरिकन को लुभाने की कोशिश तो तमाम की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है वहाँ के फील कि किस तरफ ज़्यादा रुझान है? चूँकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो अट्रैक्शन डोनाल्ड ट्रंप के को लेकर के था वो कमला हैरिस के आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, रुझान नहीं है, लेकिन कमला हैरिस को लेकर रुझान है, तो आपकी फीलिंग क्या कहती है आहूजा साहब? लक्ष्मण जी, मैं थोड़ा सा आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जब बाइडन प्रेसिडेंट बनने थे और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उस वक्त इंडियन अमेरिकन्स ने ज्यादा कमला हैरिस को सपोर्ट किया था, ये समझकर, ये सोचकर कि हमारी ये हिंदुस्तानी है और इंडिया के लिए ये कुछ बेहतरी का काम करेंगी। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप इतिहास देखें 4 सालों का, तो उसमें इंडिया के कोई ऐसा उन्होंने कोई फेवरेबल वाला कोई काम नहीं किया है, बल्कि कुछ देखा जाए तो एंटी इंडिया स्टांस रही हैं। खासकर अगर आप पन्नू का केस लीजिए या कमला हैरिस की स्टेटमेंट जो है, 370 आर्टिकल जब कश्मीर में अब्रोगेट हुआ तो उस वक्त कमला हैरिस की जो स्टेटमेंट्स थी आप उसको लीजिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इंडियन अमेरिकन जो है वो मिडिल क्लास है यहाँ पे, और जो इकोनॉमी का जो सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा है। तो अगर आप मेरा जो स्टडी है उस पे अगर मैं जाऊं तो मेरे हिसाब से इस वक्त इंडियन अमेरिकन्स का वो जो एक कमला हैरिस की तरफ रुझान था पहले, अब वो इतना नहीं रहा है। इसके बजाय जय इकोनॉमी मेन ले लीजिए, और ट्रंप के रिलेशंस जो हैं वो मोदी साहब के साथ जो एक जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय के रिलेशंस को देख लीजिए, तो इंडियन अमेरिकन इस वक्त जो है कमला हैरिस के मुकाबले मेरे हिसाब से ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
हालांकि मैं जो कह रहा था वो खास तौर से एक रिपोर्ट के हवाले से कह रहा था, जो रिपोर्ट जो है AAPI डेटा का वोटर सर्वे था, जिसमें कहा गया था कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनमें से आधे से ज़्यादा वोटर्स जो हैं 55% वोटर जो हैं वो डेमोक्रेट के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि 26% जो है रिपब्लिकन के तौर पर जाना जाते हैं। और इन्होंने एक और बात कही कि 60% से ज़्यादा जो इंडियन अमेरिकन लेडीज़ हैं वो हैरिस को वोट करना चाहती हैं, जबकि 50% से ज़्यादा जो इंडियन अमेरिकन मेल हैं वो ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। तो ये मेरा आधार था जिसके आधार पर मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। लेकिन यही सवाल लेकर के आगे बढ़ाते हुए अरुण कुमार सिंह साहब के पास जाते हैं, जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं, US में रह भी चुके हैं। अरुण कुमार सिंह साहब, भले तो आप पूर्व रहे हैं लेकिन आपकी नज़र काफ़ी पैनी रहती है US इलेक्शन पर, आपको क्या लगता है कि इस बार इंडियन अमेरिकन जो हैं किस बेस पर अपने कैंडिडेट को चुन रहे होंगे? तो आनंद आहूजा जी ने जो कहा कुछ हद तक मैं उससे सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं, तो उस पर मैं बताता हूँ। 2016 में 80% इंडियन अमेरिकन ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था। 2020 में जब चुनाव हुए थे तो करीब 70% ने जो बाइडन को वोट दिया था। इस बार के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और अभी एक सर्वे हुआ था जो कार्नेगी एंडोमेंट ने किया था, उसमें यह आया कि करीब 60% कमला हैरिस को वोट करेंगे। तो इस तरह इंडियन अमेरिकन की जो परसेंटेज डेमोक्रेट्स के लिए वोट जा रही है इस बार, जो इंडिकेशन है, जो संकेत है, वो पहले के हिसाब से थोड़े कम है, जो भी कारण हो इसके लिए। लेकिन जहां मैं आनंद आहूजा से सहमत नहीं हूं वो ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कई ऐसे कदम उठाए जो भारत के लिए फायदेमंद थे। एक का मैं जिक्र करूंगा, 2023 में उन्होंने एक नया इनिशिएटिव किया था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके जरिए जो नए टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, साइबर, बायोटेक, 6G, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, इसमें उन्होंने कहा कि इसमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जो उनके फायदे में भी है और हमारे फायदे में है। और इंडिया में जैसे आपने देखा कि सेमीकंडक्टर्स पे काफी जोर दिया जा रहा है, और आईसेट इनिशिएटिव के बाद करीब 6 अमेरिकी कंपनियों ने घोषणा की कि वो भारत में निवेश करेंगे सेमीकंडक्टर्स में। माइक्रोन ने किया है, ग्लोबल फाउंड्रीज ने किया है, अप्लाइड मटेरियल्स ने किया है, लैम रिसर्च ने किया है, तो कई कंपनीज आगे बढ़ के उन्होंने भारत में रिसर्च किया। उसके अलावा जैसा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले किया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि उनका जो मुख्य चैलेंज है आगे वो चाइना से, और चाइना ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को विश्व स्तर पे रिप्लेस करना चाहता है, और उनका मेन इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री चैलेंज चाइना है, और उसको ध्यान में रखते हुए भारत के साथ रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे ट्रंप ने वो क्वाड मीटिंग शुरू किए थे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स का, और पहले वे विदेश मंत्री के स्तर पर मिलते थे। जो बाइडन ने इसको समिट लेवल मीटिंग शुरू किया था जनवरी 2021 में, और अभी आपने देखा होगा कि सितंबर में हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका क्वाड समिट के लिए, और चूंकि वो क्वाड समिट के लिए गए, एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई US प्रेसिडेंट के साथ, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो जो बाइडन ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे भारत को फायदा हुआ, अमेरिका को भी फायदा हुआ, कोई भी देश ये कदम नहीं उठाता है किसी और देश को फायदा, वो अपने फायदों को देखते हैं। जहां दोनों देशों के लिए फायदा होता है वहां बात आगे बढ़ सकती है, तो उन्होंने अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाए जिससे भारत का भी फायदा हुआ और इसको हमारे लोगों ने एक्नॉलेज किया। और ट्रंप के समय भी देखेंगे तो वैसे तो ह्यूस्टन वो गए थे जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, बड़ी इंडियन अमेरिकन की रैली थी, 50,000 लोग थे वहां पे, और भारत भी आए थे फरवरी 2020 में, लेकिन कई चीज उन्होंने ऐसी की जिससे भारत को फायदा हुआ, लेकिन ट्रेड इश्यूज को लेकर उन्होंने काफी दबाव रखा। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट्स पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाए, जनरल स्कीम और प्रेफरेंसेस है जिसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस हमारे कई प्रोडक्ट्स को मिलते थे उसको उन्होंने हटा दिया, और 2019 में उन्होंने इमरान खान को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया जब वो तालिबान के साथ डायलॉग करना चाहते थे, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर विवाद पे मीडिएट करने को तैयार हूं, जबकि उनको पता है कि भारत ये कभी नहीं मानेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इस पे मीडिएट कीजिए, जो बिल्कुल किसी तथ्य के आधार पे नहीं था। और हमारे विदेश मंत्री को कुछ दिनों बाद पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि जो भी US प्रेसिडेंट ने कहा है उसमें कतई सच्चाई नहीं है।
तो हमको देखना है कि कोई भी वहां का राष्ट्रपति हो वो अपने पॉलिटिकल हित को कैसे देखता है, यूएस के हित को कैसे देखता है, और हम अपने भारत के हित को ध्यान में रखते हुए जहां कन्वर्जेंस हो उस बात को आगे बढ़ाए। तो कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, हमें दोनों से फायदे हो सकते हैं, दोनों से चैलेंज होंगे, और हमको अपना फायदा देखते हुए एरियाज को चूज करके आगे बढ़ाऊंगा। शो के अगले हिस्से में इसी पे बातचीत करूंगा कि कौन आते हैं तो हमें कितना फायदा होगा, कौन नहीं आते हैं तो कितना नुकसान होगा, इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन आरती टिक्कू सिंह, आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जैसा कि अभी अरुण कुमार सिंह साहब ने बताया अभी कि क्वाड समिट में पीएम जाने वाले थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आकर के पीएम हमसे, मोदी हमसे भी मिलने वाले हैं, तो एक पूरा माहौल बन गया कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, एक इंडियन अमेरिकन को आकर्षित करने की तरफ एक कदम के तौर पे देखा गया। लेकिन जब पीएम मोदी गए तो उनसे मुलाकात नहीं किए और सीधा अपना जो मीटिंग थी, मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, बायलेटरल मीटिंग की, और फिर चले आए। तो इस तरह का भारत का रुझान इंडियन अमेरिकन को क्या मैसेज देता है, और क्या इस तरह की बातें इलेक्शन में फैक्टर इन करेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री नहीं मिले डोनाल्ड ट्रंप से, मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, कल्चर रहा है, फॉरेन अफेयर्स को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके, वहाँ पे हम लोग कभी भी किसी कंट्री के इलेक्शन में ना तो इन्फ्लुएंस करते हैं ना तो इंटरफेयर करते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, चूंकि बेशक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनविटेशन था, वो नहीं गए। मुझे लगता है कि इंडियन अमेरिकन्स जो कि वहाँ के सिटीजन्स है, वहाँ के वोटर है, उनको पूरी आज़ादी है कि जिसको भी वो चुनना चाहते हैं, कमला हैरिस को चुनना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को चुनना चाहते हैं, वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि हमारा कोई उसमें इन्फ्लुएंस हो या इंटरफेरेंस हो। इंडिया हमेशा किसी भी प्रेसिडेंट, वो रिपब्लिकन हो, वो डेमोक्रेट हो, वो जॉर्ज बुश हो, वो बराक ओबामा हो, हर किसी प्रेसिडेंट के साथ हम लोग एक इंटरनेशनल और लेवल पे डील करते हैं, और वही तरीका भी है। मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई संकेत दिया है, इनफैक्ट वो कमला हैरिस से भी नहीं मिले, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इक्विडिस्टेंट रखा है अपने आप को, वो कहीं पे भी कोई प्रेजुडिस या कोई ज्यादा किसी को ज्यादा ना फेवर कर रहे हैं, किसी को अपोज कर रहे हैं। उनके रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे बहुत अच्छे थे, जब जो बाइडेन थे उस वक्त भी आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को रेड कार्पेट वेलकम जो बाइडेन की ही सरकार ने दिया। लेकिन ये भी सच है कि पिछले चार साल में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चैलेंजेस फेस की है इंडिया ने, क्योंकि जो बाइडेन की सरकार और कमला हैरिस की जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो अपनी बिगर पिक्चर को खुद ही नहीं समझ पा रहे। उनके जो डोमेस्टिक कंपल्शंस है वो इतने ज्यादा भयंकर है कि उनको मालूम ही नहीं है कि वो इंडिया के साथ कैसे डील करें। सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, अगर आप यूएस की ओवरऑल, मुझे नहीं पता है कि अभी आपके पास कितना टाइम है ब्रेक से पहले, लेकिन अगर मैं संक्षेप में अभी कहूं कि ओवरऑल जो यूएस की सिचुएशन है पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यूएस की जो सुप्रीमेसी का जो एक परचम था पूरी दुनिया में, सब डरते थे यूएस की सुप्रीमेसी से, आज वो माहौल नहीं है। होता जा रहा। हम सभी मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, हम सभी अपनी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम सभी, देखिए सिर्फ एक नेशन नहीं है, सिर्फ इंडिया बात नहीं कर रहा, आज अफ्रीका भी बात कर रहा है, आज मिडिल ईस्ट भी बात कर रहा है, आज रशिया भी बात कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया भी कर रहा है। तो सबकी जो एक कॉन्फिडेंस आई है कि यूएस की जो दादागिरी थी पिछले पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वो दादागिरी को सुनने वाले नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज। वो अपनी जो उनके नेशनल इंटरेस्ट है, हर कंट्री का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो उसको आगे रखेंगे। अपने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो है या टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन जो है यूएस के साथ, वो आगे रखेंगे, और ये नहीं कि वो हर बात पे। बिल्कुल आपने सही कहा, जो उनका डोमेस्टिक कंपल्शन है उसके आधार पर वो तय करें कि भारत के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो एस के सरकार